गाना इस फिल्म का बेटर गाना है। हमको काफ़ी इंसिस्ट किया गया था कि एक गाना कर लो प्रमोशन के लिए, एंड आई केप्ट ऑन सेइंग नो कि इस फिल्म को एक और गाने की ज़रूरत नहीं है प्रमोशन के लिए। फिर जब हमारे दादा प्रीतम दादा ने हमको ये गाना सुनाया, हम थोड़े से ग्रीडी हो गए। तो ये गाने का टाइटल है आज की पार्टी मेरी तरफ से। पहले तो मैं सलमान भाई का थैंक्स करता हूँ कि आपने फिर मौका दिया गाने का, और और इतना दादा बहुत तड़पाते हैं यार। मैं कनाडा में बैठा था, वहाँ से मैंने रिकॉर्डिंग करी है, और ये सिर्फ बोल के लाइन, उसके बाद फ़ोन उनका ऑफ हो जाता है या उठाते नहीं फ़ोन। और फिर एक बार भेजा, उसके बाद लिरिक्स गलत हो गए। अब मेरा पूरा चांस था कभी ये गाना मेरे हाथ से जाने वाला, बिकॉज लिरिक्स गलत भेज दिए। फिर अच्छे लिरिक्स भेजे, फिर बोलते नहीं तुम नकाश की तरह नहीं गाओ, मैं एक क्यू ट्रैक गा के इन्होंने भेजा। फिर आज की पार्टी मेरी तरफ से, तो बोलते इसको फॉलो करके गाना आपको। एक ये वर्जन है गाने का, और एक दूसरा वर्जन भी शूट किया फिल्म के हिसाब से। अभी वो नहीं जाएगा, क्योंकि जो फिल्म का की जो एंड है बहुत ही खूबसूरत है। जब आप देख लेंगे फिल्म को, उसके बाद जब फिल्म इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, उसके बाद एक नॉवल्टी के हिसाब से वो जो दूसरा जो गाना पिक्चराइज किया है वो हम देखेंगे, सोचेंगे ऑन पब्लिक डिमांड के डालें कि नहीं डालें। जी उसमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ। आई थिंक अननेसेसरी यू नो स्टीरियोटाइपिंग, और जो अलग मुल्कों को अननेसेसरी वल्गर तरीके से उनकी जो बैशिंग होती है उसमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मेरी किसी फिल्म में कभी ऐसा हुआ नहीं है। जैसे हम कह ही रहे हैं कि अगर आपको बैशिंग देखनी है तो ये फिल्म आपके लायक है नहीं, नफरत देखनी है तो ये फिल्म आपके लायक है नहीं। और अपने दोस्तों यारों को भी बोल दो कि अगर नेगेटिविटी देखनी है तो इस फिल्म के थिएटर के इर्द गिर्द भी ना घूमना, क्योंकि मीलों तक आपको वो दिखाई नहीं देगी। अली को तो आप एक काम करो, सिर्फ पर्दे पे ही देखो भाई, बिकॉज आई थिंक हर्षा अली इज, अगर फिल्म, मैं तो उसको कंधे पे उठा के ले चल रहा हूँ थ्रू आउट द फिल्म, लेकिन एक्चुअली वो हमको उठाए ले चल रही है।